फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो आज हम करने वाले एक न्यू टॉपिक विच इज इकोसिस्टम। सो पहली बात, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? सो इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चरल और अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन और फिजिकल एनवायरनमेंट। सो एक ऐसा बायोम होगा जिसमें एक कम्युनिटी होगा ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म या फिर एक फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। दैट्स व्हाट अ इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर ऑफ इकोसिस्टम। So ecosystem is a structural and functional unit of biosphere consisting of community of living organism or physical environment. So now let's go to basic knowledge of ecosystem. So an ecosystem includes all the living things, plants, animals, living things mein plants, animals, even organisms jaate hain. Organisms in the sense like bacteria, fungi and all. So in given area, interacting with each other and also with their non-living environment. So पहली बात, living organism, ecosystem एक ऐसा particular area है for all living ऑर्गेनाइज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स या फिर कोई भी एक छोटा सा बैक्टीरिया। सो उनके लिए एक टाइप ऑफ गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में एक इंटरेक्शन विद ईच अदर है। और वी कैन से लाइक नॉन लिविंग थिंग्स लाइकवाइज वी कैन से आर वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट, एटमोसफियर। सो उनके साथ भी एक लाइक इंटरेक्शन। एंड इन एन एरिया ऑफ इकोसिस्टम ईच ऑर्गेनाइज्म हैज इज और नैके और रोल टू प्ले। सो एक इकोसिस्टम में सबका एक एक रोल होता है। इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैज इट्स ओन रोल, ओन पार्ट टू प्ले एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम टू सर्वाइव। सो इकोसिस्टम द नॉन लिविंग ऑर्गेनाइज्म कैन लिव अलोन इन आइसोलेशन। एवरी लिविंग ऑर्गेनाइज्म इज सराउंडेड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनाइज्म। सो नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं वो एक अलोन एटमोसफेयर में रह सकती है, बट जो भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म है उनके चारों तरफ और लिविंग ऑर्गेनाइज्म है। सो लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनाइज्म आर इंटरडिपेंडेंट है। लाइक एक एनिमल एक प्लांट पे डिपेंडेंट है, एक प्लांट भी एक एनिमल पे डिपेंडेंट है। अब पूछेगा कैसे? एनिमल नीड्स ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सो प्लांट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक ऑक्सीजन। इन शॉर्ट, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है एंड दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइज्म। वैसे ही जो अर्थ का पूरा चल रहा है, लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन द अदर वन। सो दे इंटरैक्ट विद इंटरस्पेसिफिकली और स्पेसिफिकली वो इंटरैक्शन करते हैं एज पर फिजिकल एनवायरमेंट मेंटेन द फिजिकल लाइक बैलेंस। सो फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमारे होती है, एयर, वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, वो हमको हेल्प करते हैं ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। जो इंटरेक्शन विद ऑर्गेनिजम्स उसको बैलेंस करने के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फिजिकल हमारे
एनवायरमेंट है विच सराउंड्स अस वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और टू मेक द स्टेबल स्टेट कॉल्ड एज बायोलॉजिकल इक्विबेरम और बैलेंस ऑफ द नेचर. सो बैलेंस ऑफ द नेचर इज व्हाट, व्हेन नेचर एंड ह्यूमन लाइफस्टाइल्स आर इक्वल टू ईच अदर, लाइक कोई चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए. सो बैलेंस ऑफ द नेचर वही सेंस करते हैं इन ट्रू वर्ड्स. सो अगर हम देखें तो एक एनिमल अगर प्लांट्स पे ज़्यादा, सपोज एक काउ ज़्यादा खाने लगा प्लांट्स को, सो प्लांट्स की कमी तो बहुत हो जाएगी. अगर प्लांट्स कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे दे तो वो प्रॉब्लम होगा. सो फिजिकल एनवायरनमेंट क्या करता है, लाइक सॉइल, सन, एयर, सॉरी नॉट एयर, वेदर, ये सब क्या करते हैं कि बैलेंस करने में बहुत हेल्प करते हैं. सो दे मेंटेन द, दे हेल्प टू मेंटेन और स्टेबलाइज द इंटरेक्शन विद फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक ईच अदर इंटरेक्शन जो होते हैं. सो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इक्विबेरियम और बैलेंस ऑफ नेचर. इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड ऑल्सो विद अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इट्स बायोस्फीयर कंटेनिंग द कम्युनिटी ऑफ, जैसे मैंने बताया. सो लाइक इट कैन बी डिफाइंड एज दिस मच एज आई रोट नाउ, एंड बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटीरियल बिटवीन देम. सो हर एक इकोसिस्टम एक ऐसे चीज भी है जो एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर है, एंड इट कंसिस्ट द इंटरेक्शन एंड द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स विद विच कंटिन्यूस फॉर ईच ऑर्गेनिज्म. नॉन लिविंग के लिए तो इट्स ओके, लाइक नॉन लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव इन आइसोलेशन इवन, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स ईच अदर टू मेक दैट पर्टिकुलर थिंग हैपन. सो यस, एंड अगर एक ऑर्गेनिज्म, सपोज एनिमल्स के कैटेगरी में ह्यूमन्स भी जाते हैं, सो अगर ह्यूमन्स प्लांट्स को ज़्यादा लाइक काटने लगे, या फिर हम ट्रीज से ले लेते हैं, ट्रीज को काटने लगे जो अभी हो रहा है, सो डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, एंड वो इन अनदर वे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमको मीन हार्म कर रहे हैं, बिकॉज इफ वी कट मोर ट्रीज ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, एंड अगर भी कोई आर्टिफिशियल वे से ऑक्सीजन बन भी, इफ इवन ऑक्सीजन बी प्रिपेयर्ड, सो आर्टिफिशियली होने से इट विल कॉस्ट मच. सो इन शॉर्ट, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम नेचर को अगर हार्म कर रहे हैं तो नेचर विल बी नॉट लेस, इट विल हार्म अस इवन. सो इन शॉर्ट, लिविंग ऑर्गेनाइज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी बैलेंस इन देयर ओन वे, एंड उसको हेल्प करती है एंड फिजिकल एनवायरमेंट विच इज वेदर, सॉइल, सन एंड अर्थ, क्लाइमेट, एटमोसफेयर एंड ऑल, जो इतने सारी चीज़ें हैं हमको हेल्प करती है इन सबको बैलेंस करने में, एंड वी शुड ऑल्सो. सो और वी कैन से मीन इकोसिस्टम का और एक डेफिनेशन वी कैन क्रिएट, दैट ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर, ऑल इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन अ एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट एन एनवायरमेंट इकोसिस्टम. सो बेसिकली इट मीन्स कि अगर इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स जो है, इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल, सो इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी है इंटरैक्टिंग, सो एंड इन एन एरिया विथ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो भी क्रिएट करता है एक इकोसिस्टम. सो लाइक सो वी कैन से लाइक इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म विथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स वी कैन से ऑफ एन एर ऑफ द एनवायरमेंट विल फॉर्म अ इकोसिस्टम इवन. सो इकोसिस्टम कैन बी परमानेंट और टेम्प्ररी. इट कैन बी परमानेंट और टेम्पोररी. सो इकोसिस्टम मे बी परमानेंट और भी टेम्प्रेरी हो सकता है, नेचुरल और मैनमेड, नेचुरल हो सकता है, नेचुरल कॉजेज से हो सकता है और मैनमेड इकोसिस्टम्स हो सकते हैं. एज आई टोल्ड यू द इकोसिस्टम कैन बी लाइक परमानेंट एंड टेम्पररी, परमानेंट वाइज भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है, इट कैन बी नेचुरल और मैनमेड.
मैनमेड का मतलब क्या है? मैनमेड इकोसिस्टम मींस एक्वेरियम जो हमारे घर पे होती है, फिशेज के लिए हम छोटा सा एक्वेरियम रखते हैं, फिशेज वहाँ पर अच्छे से रहते हैं, सूट के लिए वो एक छोटा सा इकोसिस्टम हो गया, या फिर हम मैनमेड के लिए हमारे गार्डन ले सकते हैं, या फिर वो जो क्रॉप जो फील्ड में लगते हैं दैट इज वन इकोसिस्टम। जू हो गया, जू हम बनाते हैं, जू फॉर एनिमल्स, वो एक इकोसिस्टम हो गया। सो दिस इज सम ऑफ द मैनमेड इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल एंड कैन बी मैनमेड। सो नेक्स्ट थिंग, इट कैन बी स्मॉल एंड लार्ज। लाइक इकोसिस्टम कैन बी अ स्मॉल इकोसिस्टम, लाइक आप ले सकते हैं एज एक्वेरियम छोटा सा फिश का टैंक, या फिर आप लार्ज इकोसिस्टम ले सकते हैं। लाइकवाइज ओशंस, हम दोनों को कंपेयर करें, दोनों पानी का ही इकोसिस्टम, लाइक पानी से ही बने हैं, बट ओशन इज फार 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 बिगर दैन एन स्मॉल फिश टैंक विच वी कॉल एज एक्वेरियम। सो इकोसिस्टम कैन बी लाइक ईच इकोसिस्टम हैज अ डिस्टिंक्टिव कम्युनिटी ऑफ इट्स ओन। एक कम्युनिटी हमेशा होता है एक इकोसिस्टम का, डिस्टिंक्टिव। सो नाउ लेट्स सी सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। मींस इकोसिस्टम के कितने, मींस कौन से कंपोनेंट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोसिस्टम हैव टू कंपोनेंट्स। वन इज बायोटिक एंड सेकेंड वन इज एबायोटिक। सो दो कंपोनेंट्स है एंड उनके अलग अलग लाइक बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है। एंड हम अभी देखने वाले बायोटिक में क्या होता है, एबायोटिक में क्या होता है, व्हाट दे एक्चुअली मीन, व्हाट दीज काइंड ऑफ इकोसिस्टम कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ। सो पहले बात एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट बायोटिक कंपोनेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद बायोटिक। सो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता चलेगा, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अ कम्युनिटी इट इज मेड अप ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशंस। सो लाइक इंटरडिपेंडेंस ऑफकोर्स एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो भी मैंने आप जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला सारे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं टू लिव। सो ये सारे जो पॉपुलेशन कंसिस्ट करते हैं लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब बायोटिक में जाते हैं। दिस इज बायोटिक कंपोनेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन रिलेशनशिप एंड दे आर क्लासिफाइड विद द फॉलोइंग कैटेगरीज। लाइक इनका जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कुछ कैटेगरीज को करते हैं। लाइकवाइज दीज फॉलोइंग वंस, फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स, सेकेंड वन इज डीकंपोजर्स, थर्ड वन इज कंज्यूमर्स। एक्चुअली यू कैन जस्ट इंटरचेंज दिस टू, यू कैन मेक इट इन अ फॉर्मल वे। सो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। सो ये तीन चीजों के बारे में अभी हम जानने वाले हैं। सो लेट्स नो अबाउट द प्रोड्यूसर्स। सो विद इन द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक नेचर ऑफ इकोसिस्टम, सो फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स। सो फर्स्ट वन जो प्रोड्यूसर है, अब व्हाट डिड इट मीन, सो दे आर द ग्रीन प्लांट। सो प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन प्लांट विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट इज क्लोरोफिल। And they manufacture organic food from inorganic nutrients like carbon dioxide. So, what are producers? First of all, they are the green plants. They are the green plants. Which contain green pigment or we can say it as chlorophyll. So the green pigment or chlorophyll.
they manufacture organic food. These plants manufacture organic food from inorganic nutrients. So let us just see what it means. So ये जो plants होते हैं हमें क्या produce करते हैं? First of all, plants produce many things. Food items likewise, vegetables, fruits, many things, seeds and all. So ये सब क्या हम बोलते हैं? We call this organic food because it is made by plant. But plant को बनाने के लिए कुछ inorganic substance होती है. Likewise, carbon dioxide and water in presence of the sunlight. And वो एक chemical process होता है which we call as photosynthesis. So the photosynthesis का मतलब होता है the process by which plants make their own food. So ये जो खाना बनाना होता है, खुद का खाना बनाना होता है एंड ऑर्गेनिक फूड बनाना होता है, ये प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस है, ये कैसे होता है? ये प्रोसेस का जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? मींस सपोज आपको खाना बनाना है, तो आपको खाना बनाने की चीज़ें चाहिए होती है. लाइक सपोज कुछ भी खाना बनाना चाहते हो आप, तो उसके लिए इन्ग्रीडियंट्स चाहिए. सो व्हाट आर द इन्ग्रीडियंट्स वी कैन से ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? सो फोटोसिंथेसिस का जो चीज़ें चाहिए होती है, हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ये दो जो बायोकेमिकल रसायन बनते हैं. सो वी नीड इवन सनलाइट. सो दे आर ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड और न्यूट्रिएंट्स ऑफ नेचर इन विच प्लांट यूज देम एंड मेक अ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक फूड जो हम यूजुअली खाते भी हैं. सो फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट. फोटोसिंथेसिस प्लांट आर प्राइमरी प्रोड्यूसर और ऑटोट्रोप्स. सो ये जो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स है, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्लांट्स होती है एंड ऑल प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड एज वी ऑल नो. बहुत सारी ऐसी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को भी खा देते हैं. दे हैव देयर ओन प्रोसेस. सो जो भी अपना खाना खुद से बनाते हैं, विच आर द मोस्ट ऑफ देम. सो जो फोटोसिंथेसिक प्लांट होते हैं, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर. मीन्स दीज प्लांट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को हम और एक नाम देते हैं कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स. So these primary producers are also called as autotrophs and they are considered the first trophic level, like saprophytic plant and chemophytic bacteria are capable of manufacturing their own food act as a producers. जो bacteria या फिर plants अपना खुद का खाना बनाती हैं, so they are usually called as प्रोड्यूसर्स. यस, बैक्टीरिया भी कुछ कुछ ऐसे होती हैं जो लाइक अपने लिए खाना बनाती है एंड वो एक्चुअली वी कैन से टॉपिक लेवल होता है या फिर वी कैन से फर्स्ट लेवल होता है. द ग्रीन प्लांट्स और द प्रोड्यूसर डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी. दे ओनली दे कन्वर्ट द सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड. सो क्या होता है ना, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी. वो खुद का कोई एनर्जी बनाते नहीं है. दे ओनली टेक द सोलर एनर्जी, जो सन का एनर्जी होता है, दैट इज बीन कन्वर्टेड टू केमिकल. रसायन में बताया जा मतलब बदल जाता है. सो द सन का जो सोलर एनर्जी होता है, दैट कन्वर्ट्स टू अ केमिकल एनर्जी विच प्लांट्स डू यूजुअली. And then what happens to the terms of energy in green plants are actually conversion of energy. So these plants, green plants are actually converters of energy. So let's go to the second
constituent of biotic ecosystem, that is consumers. So let us jump to the consumers, and there are many consumers. So let's go to the second part, which is consumers. Consumers. What are consumers? These are mainly animals, bacteria, and fungi, yeah, fungi. So these are mainly animals, bacteria, and fungi. So consumers ka list mein jaate hain. Or bacteria, but kuch apne bhi khana banate hain. As I told you in the producers part, kuch bacteria apne khana banate hain, and that we call as producer, those bacteria. But jo almost har ek bacteria consumers hote hain, and fungi. So there are modes of nutrition in heterotrophs. So there are mode of nutrition in heterotrophs, which are obtained their food from the primary producers as plants to the consumers. So ye jo heterotrophs hote hain unke kuch modes hote hain. So different things contain different. So the primary se leke jo consumers tak hote hain. So let us see that process. Or we can tell that there are types of consumers, जैसे हमारे types of eaters होते हैं. So let's go to the first one. So the first one is primary consumers. So primary consumers or herbivores, okay, herbivores. These are those animals who are parasitic plants that feed directly on the green plants. So ये वो plants होते हैं जो directly green plants जो ground में present होते हैं उसको खा देते हैं. For a very known example, हमारे cows. तो आपने गाय तो देखे होंगे, directly घास चबा, they are herbivores actually, we can say. So we can say वो actually है herbivores. So these animals directly feed on green plants, which convert into an organic compound of plants. So the organic compounds of their body, example grasshopper, cows, goat, deer, elephant, etc. बहुत सारे हैं. Grasshoppers खाती हैं, then cows, goats and deers, ये सारे organic animals eat up the organic food produced by the plants. So प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, दिस इज द फर्स्ट कंज्यूमर विच इज द प्राइमरी कंज्यूमर. सो इसके एग्जाम्पल्स है काउ, गोट, डियर एंड एलिफेंट, एंड वी कैन से ग्रास हॉपर. सो ये सारे हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स और herbivores. सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे एक्सेट्रा बहुत सारे herbivores हैं. सो दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स. सो ये तो देख लिया, ये सब होता है वो प्रोड्यूसर के थ्रू जो प्लांट्स बनाते हैं. प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. तो प्लांट्स जो प्रोड्यूसर है वो उनको कौन खाता है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स और herbivores. एज आई टोल्ड यू दैट देर आर नॉट ओनली वन कंज्यूमर, देर आर मेनी कंज्यूमर्स. तो लेट्स गो टू द सेकंड कंज्यूमर. लाइक सेकंड वन कौन सा है, ये प्राइमरी के बाद सेकंड कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोरस. सो एज कार्निवोरस का एग्जांपल एंड डेफिनेशन आप सबको पता ही होगा कि कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो लाइक दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. सो सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर दोज कंज्यूमर्स विच ईट दोज एनिमल्स विच फीड ऑन herbivores. So like वो actually वो animals है जो अपने आप को feed करते हैं from herbivores. So we can
say secondary consumers are those consumers which eat at the primary consumers. So this is a whole type of food chain, we can say. So the primary consumers say wo producers ko khate hai, and secondary consumers primary consumers ko kha lete hai. So examples are small fishes, frog, lizard and birds, etc. Like herbivores ka examples as you know, but consumers ka like secondary consumers ka like small fishes jo hoti hai, ya fir frog jo hoti hai, lizards hoti hai, birds hoti hai, ye sare secondary consumers hai. So let's go to the next consumers, which are predatory consumers or secondary carnivores. So secondary carnivores ya fir टेरी कंज्यूमर्स, सो दीज आर द सेकेंडरी कार्निवोरस. ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, दिस ट्रेंड कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कार्निवोरस. सो सेकेंडरी कार्निवोरस में जो वो जाते हैं, दीज आर दोज कार्निवोरस दैट ईट अपॉन द कार्निवोरस और द सेकेंडरी कार्निवोरस. एग्जाम्पल वुल्व्स. तो ये लाइक वो एनिमल्स होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा लेते हैं. तो ये द थर्ड टाइप ऑफ कंज्यूमर्स है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कौन कौन जाते हैं, फ्रॉग्स या फिर बर्ड्स, लिजर्ड्स, ये सबको खा लेते हैं. एग्जाम्पल वेरी फाइनली वुल्व्स, वुल्व्स खा लेते हैं. वी कैन से वुल्व्स इन और भी बहुत सारे एनिमल्स है, एग्जाम्पल्स है लाइक वुल्व है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट कंज्यूमर विच आर क्वार्टरनेरियन कंज्यूमर्स और टॉप कार्निवोरस. टॉप लाइक ये फर्स्ट कार्निवोरस थे, ये सेकेंड कार्निवोरस हो गए, अब टॉप कार्निवोरस. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अप quaternary. So quaternary consumers. So these are those consumers which are not killed and eaten by other animals. Like those animals which are not killed and eaten by any other animals. Example lions, eagles, peacock. Peacock, yes. So ये वो animals होते हैं, these are something like secondary animals और predatory animals, but इनका जो main power point है और plus point जो है वो है कि इनको कोई नहीं मार सकता, they are that strong. So ये है top carnivores and example तो जानते ही है, lions, eagles and we can say peacocks, they are the top carnivores. Now you will be surprised ki peacock kaise, haan peacock bhi hai top carnivores pe. Now let's go to our human breed carnivores, means consumers. So those are called omnivores. To abhi tak hum jitne bhi dekhe, humne dekha ki ye sare mein either koi ghas khata hai, either koi dusre animals ko khata hai. सो अभी तक सामने जितना भी देखा, इट इज लाइक अ फूड चेन वी कैन से. नाउ व्हाट यू विल सी इज ये दोनों का मिक्सचर है ओमनीवोरस. ओमनीवोरस सो इनका मतलब क्या आता है, सो दोज एनिमल विच कैन फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. लाइकवाइज बहुत आराम से जो हर जगह मिल जाते हैं, कौवे, क्रोस, या फिर हम मैन, हम इंसान, या फिर कॉकरोच, डॉग, कैट, ये सारे ओमनीवोरस हैं. अगर किसी को डाउट हो रहा है कि डॉग एंड कैट ओमनीवोरस है या हर्बीवोरस है, लाइक कार्निवोरस है या लाइक हर्बीवोरस है, दे आर बोथ. यस दे आर बोथ. तो ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सपोज लाइक बियर को ही ले लो या फिर क्रो को ही ले लो, क्रो कैन ईट अदर एनिमल्स. अगर किसी को वो फीड, इफ ही वांट टू फीड इट, ईट्स अदर एनिमल्स, फिश एंड ऑल, एंड एंड इट आल्सो ईट लाइक ग्रास भी दोगे तुम खा लेगे, लाइक
it can both eat things, but omnivores का एक चीज़ है, it cannot feed on grass below, like जो ground floor में जो like हमारे earth में जो grass उग रहा है, that they cannot eat, but they can feed on both plants, जो plants लगे होते हैं trees में, fruits and all organic foods जो होते हैं, वो उसमें वो feed कर सकते हैं अपने आप को, and also they can feed on like other animals. These are decomposers. In short, biotic constituents का third part. तो हमने देखा था producers हैं. Producers में कौन कौन जाते हैं? All the green plants. In short, first living organism complete. Second है consumers. Consumers में कौन जाते हैं? हमारे कुछ bacterias and animals. So वो consumers में गए. अभी आ रहे decomposers. Decomposers कौन है? वो organism है जो obtain करते हैं nourishment और organic remains. ऑर्गेनिक रिमेन्स, सपोज एक डेड बॉडी है ऑफ एनिमल, सपोज एक क्रो डेड है या फिर कोई भी एनिमल डेड है, अगर आप उसे आज देखोगे एंड इफ यू सी इट वीक बैक, लाइक एक वीक के बाद या फिर दो चार दिन के बाद ही देख लोगे, इट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट. आपको लगेगा ही नहीं वो एनिमल था भी या नहीं, बिकॉज दैट विल बी डिकम्पोज्ड. एंड डिकम्पोज करेगा कौन? उसके अंदर बैक्टीरियाज. ऑफकोर्स हमारे ह्यूमन बॉडीज में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, सो वॉट विल हैपन, कोई भी अगर डेड ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ये सारी चीज़ों में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, वो सब धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म को खाने लग जाएंगे, दे विल स्टार्ट टू ईट इट, सो या फिर वो उसके नरिशमेंट लेने लगेंगे. सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर, वो एक टाइप ऑफ लिक्विड बॉडी बना देंगे डेड बॉडीज और प्लांट्स के, एंड इसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया एंड फंगाई. सो अगर आप देखोगे बैक्टीरिया एंड फंगाई आर ऑल्सो प्रोड्यूसर्स, नॉट फंगाई बट बैक्टीरियाज आर ऑल्सो प्रोड्यूसर सम बैक्टीरिया, bacterias are also consumers in some bacteria, and bacterias also decomposers and fungi, including fungi. So ये जो चीज़ें हैं fungi and bacteria, ये almost हर एक चीज़ में present है. So plants हो, animals हो, and organisms तो खुद है microorganism. तो you know decomposer, these are those organisms which obtain their nourishment, उनके body के nourishment, उनके बॉडी का जो भी पार्ट्स है वो नरिशमेंट के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिक बॉडी के रिमेन्स खाते हैं. इन शॉर्ट वो भी एक इंटरडिपेंडेंट बॉडी की तरह ही है, लाइक वी कैन जस्ट राइट इट लाइक दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म which obtain their nourishment by other organic remains. Example, bacteria, fungi. So ये सब उसका examples है. Bacteria and fungi one of them, and there may be more. So कोई भी dead body of plants, क्योंकि plants में living organism में ही जाता है, and animals, ये दोनों का जो dead matter होता है ये bacteria and fungi अपनी body के nourishment के लिए उस डेड बॉडी को खाने लग जाते हैं, और यू कैन से दे जस्ट ईट अप द बॉडी फॉर देयर ओन नरिशमेंट. जैसे मैंने बोला अगर आप एक डेड बॉडी को सपोज देखते हो आज, तो इट विल जस्ट चेंज आफ्टर फ्यू डेज, सो वैसे ही क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो उसे खा जाते हैं, वी कैन से. सो हियर वर सम ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. So let's just see what we just did it. Let's just have some notes. You can just copy it down or take a snapshot if you want. So let's just go for all the definitions which we learned now.
सो यह आर जस्ट नोट्स ऑफ द इकोसिस्टम एज यू हैव सीन. इकोसिस्टम का यहाँ पर डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट. तो इसके कुछ कुछ लाइक variations are likewise it can be permanent, it can be temporary, it can be natural, it can be man-made. Man-made matlab aquariums, it can be small, it can be large. Small matlab ek chota sa aquarium le lijiye, large matlab ek ocean le lijiye. So dono same hi hai, pani mein living animals, but dono ka jo base area hai bahut alag hai. They are small and large ke bitte wo sabse best example you can take. And then if you want to take the definition of biotic, this is the exam means definition of biotic means biotic and abiotic are the two main components of ecosystem. So biotic ka ye ra definition. So let's move on. And biotic ka jo component of ecosystem uske teen bases hai, teen constituents hai biotic ecosystem, that are producers, consumers and decomposers. Abhi inka definition chalo dekhte hain. These are the producer. As you can see, ये green plants होते हैं producer. They contain green pigment which is called as chlorophyll. And ये usually organic food बनाते हैं from inorganic substances, inorganic nutrients which are, we can say, sunlight, water, carbon dioxide, the main components, ingredients, we can say, जो होते हैं process of photosynthesis के लिए. And this is the definition of producers, as you can see over here. So let's go to the next component of biotic biotic ecosystem. So the next part is consumers. So this is a definition of consumers, and they are mainly animals and bacteria, fungi, ye sab hote hain. So primary consumers you can see over here, and unka definition idhar hai. And these are the secondary consumers, and this is the definition. These are tertiary consumers. You can see the third type of consumers. Here is the definition, and this is the quaternary consumers. Definition is right here. Omnivorous ka definition is written over here. So these are the types of consumers. We can say food chain ki tarah hai, like primary ko secondary kha leta hai, and we can go it as a line wise. Primary consumers jo hote hai, wo प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्राइमरी को खा लेते हैं, एंड टेरिटरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी को खा लेते हैं. एंड दीज आर क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स जो एक्चुअली इट कैन ईट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, बट द प्रॉब्लम इज दे के नॉट बी ईटन और किल्ड बाई अदर एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल लाइन एंड पिकॉक्स, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. ईगल्स, ये सब दूसरों को खा लेते हैं पर उनको कोई खाने वाला है नहीं. नेक्स्ट इज ओमनीवोरस. है नहीं मतलब दे कैन नॉट बी ईटन और किल्ड बाय द अदर एनिमल्स. सो ओमनीवोरस का डेफिनेशन इट इज हियर. सो बियर एंड क्रो आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर ओमनीवोरस. ओमनीवोरस वो एनिमल है विच कैन ईट प्लांट्स, ट्रीज या फिर ऑर्गेनिक फूड, बट द प्रॉब्लम व्हाट इज लाइक दे कैन नॉट ईट द ग्रास. जो नीचे प्रेजेंट होते ग्रास वो सब वो नहीं खा सकते, दैट इज द क्राइटेरिया. बट उसके अलावा जो भी ऑर्गेनिक फूड होते हैं लाइक प्लांट्स बाई ट्रीज लाइक फ्रूट्स एंड ऑल, वो सब वो खा लेंगे. एंड इवन वो एनिमल्स को भी खाते हैं, लाइक बियर जस्ट कैचेस फिश, वो फिश को भी खाते हैं. वी हैव सीन क्रोज ईटिंग फिश मीट्स. आप क्रो को मीट दोगे वो खा लेगा, अगर आपको क्रो को कोई खाना दोगे जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं फ्रूट्स दोगे वो भी खा लेगा. तो दे कैन ईट बोथ द थिंग्स. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड constituent of the biotic ecosystem, that is decomposers. So these are the decomposers. So these are the organism which obtain their own nourishment of their body by other organic remains. So ye organic remains pe rehte hai, like organic objects pe nahi, remaining of the organic things. Organic things in the sense plants, animals, humans are as a part of animal kingdom. So humans ke remainings, plants ke remainings, when the plant is dead to uske jo remainings hote hai us pe wo pal lete hai, ya fir jo human remainings hote hai when a human is dead uske jo body hai usko kha lete hai ye log, ya fir koi bhi animal le lo, if a lion is dead to uska bhi remainings hi kha lenge. So every organism has that
दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, तो ये सब उनको खा लेते हैं, एस्पेशली बैक्टीरिया. सो हियर आर सम ऑफ द, दिस इज एक्चुअली अ बायोटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द इकोसिस्टम, बायोटिक इकोसिस्टम. सो इट वॉज अ वीडियो ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड द बायोटिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द एबायोटिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड सम मोर इन्फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ लाइक इकोसिस्टम्स एट ऑल. सो होप यू अंडरस्टूड द वीडियो वेल. थैंक फॉर वॉचिंग दिस एंड बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वन.